मक्खन काट के खड़ा होता था। हाँ, बहुत तगड़ा। यही है? हाँ, यही था। यह रेड स्नेक है, बाइट करता है, तो वो उस पे पहले वार करता है। यह है रेड स्नेक, यानी धामन, नॉन बेन में बिना जहर वाला है। कुछ लोग कहते हैं इसके पूछ से मारने से आदमी गलने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ये सब मिथक बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदेश के सर्प मित्र पे। यहाँ कोई साहब दिखा है ग्राम सभा उत्तर पट्टी, जिन्होंने मुझे फोन कर जरा उनसे रूल करवाता हूँ। भैया आप इधर आइए, अपना नाम पता बताइए। ये संजय कुमार यादव, ग्राम उत्तर पट्टी। हमारे घर में जो है भाई साथ निकला हुआ था, तो संजय भाई को बुलाया। आइए, कहाँ पे है साहब? साहब कब देखे थे? अभी सुबह में देखे थे। सुबह देखे थे? कितना टाइम हुआ देखे? एक घंटा। तो भाई लोग यहीं पे सर्प को देखे थे ये लोग, तो यहाँ पे हम लोग सफाई कर रहे हैं और फरसा मांग के खुदाई भी कर रहे हैं, तब आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा सर्प है। ग्रामीण है यहाँ पे, इसको रेड स्नेक कहा जाता है। तो सर्प को हम लोग देख लिए हैं, लेकिन कैमरा में नहीं दिखा पाए हैं, तो दिख गए हैं। हाँ, दिख गया है, रेड स्नेक है, इसी को धामन कहते हैं। फन काट के खड़ा होता था। हाँ, बहुत तगड़ा। यही है? हाँ, यही था। हाँ, यह रेड स्नेक है, इसकी पूछ कटी हुई है, शायद कभी कोई जानवर से काट दिया है, शायद नेवला काटा होगा, क्योंकि नेवला जब बाइट करता है तो वो उस पर पहले वार करता है। यह है रेड स्नेक, यानी धामन, नॉन बेन में बिना जहर वाला है। कुछ लोग कहते हैं इसके पूछ से मारने से आदमी गलने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ये सब मिथक बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। ना इसके अंदर जहर नहीं होता, इसके बाइट करने भी कुछ नहीं होता, ये जल्दी किसी को बाइट करता नहीं, ये किसी को काटता नहीं, ना कभी किसी को काट ले तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जहर नहीं होता। तो कौन सा सांप है मालूम है? रेड स्नेक, नहीं धामन। धामन, इंग्लिश नाम रेड स्नेक, हिंदी में धामन। अभी इसकी जान चली जाती है, लोग मारते, लेकिन आप दयालु हैं। यह किसान मित्र है, यह किसानों के बहुत फायदेमंद सर्प बनाया है भगवान ने, क्योंकि अगर खेतों में चूहे हैं तो चूहों को कम से कम रोज से 7-8 से चूहे खाता है। आप दो चूहे खा रहे हैं? हाँ, चूहों को नष्ट करता है, खाता है, और चूहे जो है किसान की फसल को बर्बाद करते हैं, इसलिए इसको किसान मित्र हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल भी कृषि को काटेगा नहीं, आप पकड़ सकते हैं, काटेगा नहीं। नहीं काटेगा नहीं, नहीं बिना जहरीला है। नहीं, चूहा खाया अभी, चूहा खाया है, बिना जहर वाला है, इसको पकड़ सकते हैं आप भी। नहीं नहीं नहीं, हाँ पकड़ लेंगे। ये बता रहे थे कोबरा है, स्पेटकल कोबरा बता रहे थे, लेकिन इतना जानकारी देने के बाद भी, जागरूकता फैलाने के बाद भी सांप को नहीं पहचान रहे हैं। कोबरा का पहचान का होता है, वो फन वाला होता है, उसका कलर भी दूसरा होता है, उसके मुंडी पे अगर नहीं फन फैला रहा है तो इसकी मुंडी जो होती है धड़ से धड़ के बराबर लगभग होती है, इसकी मुंडी जो होती है धामन की बहुत पतली होती है धड़ के हिसाब से, इसका बीच का हिस्सा काफी मोटा होता है, इसकी पूंछ कम से कम एक फुट के करीब टूटी हुई है, तो हमें लगता है नेवला मार दिया होगा। जो कोबरा रहता है उसके सर को रहेगा। अच्छा अच्छा, तो धन्य भाई काम बहुत आप पुण्य काम करते हैं। अभी चलिए हम ज्यादा से नहीं छेड़ते, इसको किसान लोग भी मार देते।
पैक करते हैं, फिर इसके अनुकूलित वातावरण में इसको रिलीज कर देंगे और ज्यादा। लेकिन आप बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, तंग नहीं करेंगे इसे, अभी आठ आज रिलीज करेंगे फिर दिखाएंगे। तो सांपों को हमें मानना चाहिए? नहीं, सांपों को नहीं मानना चाहिए। तुम्हारा काम कैसा लगा आपको? आपका काम हमको सबसे बेस्ट लगा, आप एक जीव जो है बचा दिए, समझो एक आप धन्यवाद भाई साहब आपका, संत महात्मा वाला काम किए हो आप। और सबका फर्ज बनता है कि जीव जंतु दया करें, मारे ना किसी को प्रभावित ना करें। वजह से इसकी जान नहीं लिए, दूसरा कोई होता तो उसको जान से मार देता है। अंदर कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि किसी हत्या करे, कोई भी धर्म नहीं कहता। तो जीव जंतु पे दया करे, जीव जंतु को मारे ना, प्रताड़ित ना करे। और अभी दिखाते हैं इसको रिलीज करते हुए। हमारे गांव में सबसे सौभाग्य आदमी संजय भाई है। तो चलिए, हम आपके क्षेत्रीय हैं, आपके गांव के हैं, आपके पड़ोसी हैं, हमको तो आधी रात में जब मर्जी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दो दो तक फैलाइए। अभी छोड़ते हुए भी दिखाते हैं, ये है देखिए, जो अभी रेड स्नेक पकड़े थे उसको रिलीज करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे दो चार लोग मिल गए भाई बहन, तो उनका भी डर दूर हो जाएगा। और इसके अंदर जहर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं ना कि गाय भैंस को बांध के दूध पी जाता है, ये सब झूठी बात है। इनके अंदर इंजाइन नहीं होता, इंजाइन नहीं होगा तो कैल्शियम को हजम नहीं कर पाएगा। और इधर पी लेगा जब इसकी प्यास लगी है तो मर भी जाएगा, हफ्ते 15 दिन में मर जाएगा, इसको निमोनिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। इसलिए दूध दूध नहीं पीता साहब, ये गलत अफवाह उड़ाई गई है। इनका ये मांसा आ रही है, मांस वो खाते हैं, चूहे मेंढक बर्ड ये सब खाते हैं, और इनको मारना नहीं चाहिए। किसानों से निवेदन है कि ऐसे सांप को मारे ना, किसान मित्र है, समझिए हमारा आपका मित्र है, ये फसल को नष्ट होने से बचाता है चूहों से। तो भगवान ने जितने भी चीजें बनाया है हमारे लिए धरती पे, सब हमारे लिए ही बनाया है, समझ लो इंसानों के हित में ही है। इन्हें मारना नहीं चाहिए, इसको हम आजाद कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। वो तो किसान को जगह ढूंढ लेगा, और इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तो हम इसको रिलीज कर दिए, आजाद कर दिए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतु के साथ, तब तक हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद देते हैं। वीडियो हमारा अगर अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक फैलाइए, ताकि जो विश्वास फैलाएगा सांपों के प्रति इंसानों के अंदर वह दूर हो जाए। हमारा मकसद यही है अंधविश्वास को दूर करना। नेक्स्ट मिलते किसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।